क्या आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप जो है वोट नहीं गिरा पाते हैं? अभी के टाइम यानी अक्टूबर 2021 में बिहार में जो मुखिया, सरपंच, जिला परिषद वगैरह वगैरह का जो है चुनाव चल रहा है और आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से 12 दिन के अंदर अंदर में आप किस तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी मिल जाएगा और उसको आप जो है डाउनलोड करके वोट भी गिराने जा सकते हैं। स्वागत, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप 12 दिन के अंदर अंदर में किस तरीके से आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर मिल जाएगा, उसको आप जो है जाके साइबर कैफे या दुकान में वहां पर जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और वो ले जाके आप जो है वोट भी गिरा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में ये बताऊंगा किस तरीके से आप वोटर आईडी कार्ड 12 दिन के अंदर अंदर में आप कैसे बनवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। इसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी BLO या किसी दुकान वाले, किसी साइबर कैफे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप 12 दिन के अंदर अंदर में वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप यही काम जो है दुकान वाले के पास या साइबर कैफे में जाइए करवाने के लिए तो वहाँ पर भैया आपको 200 से 300 रुपया ले लेगा और वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आप जो है वोट नहीं गिरा पाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वो पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जो आप अगर अपना लेते हैं तो आपको जो है 12 दिन के अंदर अंदर में आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद से ही आपको 12 दिन के अंदर अंदर में वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। वो नंबर ले जाके आप जो है दुकान वाले के पास दीजिएगा तो वहाँ से आपको प्रिंट आउट निकाल देगा, वो प्रिंट आउट ले जाके आप जो है वोट भी गिरा सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए, ये सब देखने के लिए इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है वोटर हेल्पलाइन। चलिए मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आ गया है, यहाँ पे इंस्टॉल वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वोटर हेल्पलाइन को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये इसका ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे लॉगिन है, स्किप लॉगिन, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपको न्यू वोटर आईडी जो है आपको बनाने के लिए यहाँ वोटर रजिस्ट्रेशन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर से आप जो है वोटर आईडी बनाना चाहते हैं, और यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा। वो OTP डाल के यहाँ पर आप जो है आपको लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना। चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर सेंड OTP क्लिक करते हैं तो जहाँ पर 2 मिनट का टाइम देगा, आपको 2 मिनट में आपको अपना OTP यहाँ पर डाल देना। जैसे मेरे केस में यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर देखिए 656 और 381। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना OTP, तो 656 और 381। ठीक है, तो इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ नीचे यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरीफाई वाला का ऑप्शन है, तो यहाँ वेरीफाई वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे न्यू टैब यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आप जो है फर्स्ट टाइम जो है आप जो है वोटर आईडी बनवाना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर वाले पर रहने देंगे। अगर आप इससे पहले बनवा चुके हैं तो यहाँ नो वाले पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यस वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि आप इंडियन सिटीजन है तो यस वाले पर क्लिक कर। अगर आप इंडियन सिटीजन है और आप जो है इंडिया से बाहर है तो यहाँ पर आप जो है दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम जो है इंडिया में है और इंडियन सिटीजन है तो पहले वाले पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो इसमें से चूज कर लेंगे आप कौन सा स्टेट से है। इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका एज जो है
21 साल से ज़्यादा है तब तो यहाँ पर डालने की वजह से आप यहाँ पर डालते हैं 21 साल से ज़्यादा। जैसे मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ, तो कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कैलेंडर में से जो है आपको जो है डेट चूज कर लेना है, जो भी आपका डेट है डेट ऑफ बर्थ वो आपको यहाँ पर डाल देना। जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर डालने के बाद जो है आपको ओके वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो है अगर एज 21 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखिए एज डिक्लेरेशन फॉर्म, अगर आपका एज 21 साल से कम है तब तो आपके सामने में ये ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपका एज 21 साल से ज़्यादा है तो एज डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको जो है डाउनलोड करके इसको भर के आपको यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करके अपलोड करना है। तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, यहाँ डाउनलोड एज डिक्लेरेशन है फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अलाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर अलाउ कर दीजिए और जैसे ही अलाउ वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है आपका फॉर्म का जो है डाउनलोडिंग का प्रोसेसिंग आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो गया है एज डिक्लेरेशन, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है फॉर्म है, यह फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए आपको प्रिंटआउट निकलवा लेना है, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो है फादर का नाम डालेंगे और यहाँ पर जो है अपने विधानसभा का नाम डाल के आपको ये फॉर्म को आपको वहाँ पर जो है अपलोड करना है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे, अपलोड वाले पे क्लिक करके आप जो कैमरा से क्लिक करके भी फोटो को जो है लगा सकते हैं या गैलरी में से आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर जो है आपका एज जो है 21 साल से कम है तब तो आपको जो है यहाँ पे एज डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ डाला हूँ तो यहाँ पर देखिए कि आपको नीचे एज डिक्लेरेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है यहाँ पर हट चुका है। तो इस तरीके से अगर आपका एज जो है 21 साल से ज़्यादा है तो आपको जो है एज डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करना है, अगर आपका एज जो है 21 साल से कम है तब तो आपको जो है एज डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख रहे हैं मार्कशीट 10, 8 और 5 का, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या आप यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट है इसमें से आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड को चूज करूँगा। अब यहाँ पे जो है आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैमरा या आप जो गैलरी में जाके इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोटो जो है आपका अपना वो फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ अपलोड पिक्चर वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कैमरा से क्लिक करके या गैलरी में जाइएगा और जहाँ भी रख रखे हैं वहाँ से आप अपना फोटो इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें यहाँ पर देखिए आपका फोटो आ चुका है, यहाँ राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए आपका फोटो आ चुका है। इसके बाद इसमें से जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल। इसके बाद आपका अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपको जो है रिलीजन का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे सरनेम डालना है, इसके बाद यहाँ पे जो है सरनेम जो भी डालेंगे उसका हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आई डालना है। इसके बाद अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो इसमें से टिक कर देना, नहीं तो इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है अपने रिलेटिव का नाम डालेंगे, जैसे फादर मदर या कुछ भी हो गया उसका नाम डालेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है हिंदी में कन्वर्ट ले लेगा। यहाँ पर जिसका भी नाम डाल रहे हैं उसका जो है ईपिक नंबर, मतलब जो है वोटर आई डी नंबर डालेंगे। इसके बाद इसमें चूज कर लेंगे आप किसका डालें, जैसे फादर का डाले हैं, मदर का डाले हैं या कोई अदर का डाले हैं, तो इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप अपना करंट एड्रेस डालेंगे, तो जो भी एड्रेस डालेंगे आपको अच्छी तरीके से सही डाल देना है। यहाँ पर हाउस नंबर, यहाँ पर आपको जो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट ले लेगा। यहाँ पर स्टेट, एरिया, लोकेलिटी, यहाँ पर आपको हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। विलेज, टाउन, और इसे मैं यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर ये गलती आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जो आपको हिंदी वाला कीबोर्ड जो लेना है और यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए आ गया है सही से, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डालना है, हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। पिन कोड डालना है, एरिया टाइप आपको डाल देना है कि आपको कौन सा एरिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एरिया टाइप डालना है। स्टेट आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं डाला हूँ तो यहाँ पर स्टेट आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट इसमें से इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर यह आ जाएगा। इसके बाद असेंबली, मतलब आपके विधानसभा, यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए हरलाखी आ चुका है। इसके बाद जो है आपको नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको जो है एड्रेस प्रूफ में बोलेगा तो क्या देना है आपको, तो आपको जो भी एड्रेस प्रूफ देना है यहाँ पर देखिए, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और इसमें आपको ढेर सारा एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा। तो जो भी आपके पास एड्रेस है
तो आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे लगा देना, जैसे यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स, राशन, बिजली का बिल, वाटर का बिल, आपको ढेर सारा इसमें मिल जाता है। तो जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ बैंक का स्टेटमेंट पासबुक का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और वो मैं आपको इसमें अटैच कर दूँगा। तो इसी तरीके से आपके पास जो भी हो आपको यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर देखिए आपको जो है अपलोड करना है, तो यहाँ आपको अपलोड वाले का ऑप्शन पर ठीक रहने देना है और यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपका बैंक का पासबुक है आपको अपलोड वाले पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। अभी जो भी आप जो है एड्रेस फिलअप किए हैं उस एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं वो आपको डेट इसमें डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो डेट डाल देता हूँ, तो इस तरीके से आपको डेट डाल देना है, नाम डालना है, यहाँ पे प्लेस कहाँ से है वो डाल के यहाँ डन वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो आपको जो है 5 मिनट में ये फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है या नहीं, एक बार रेट कर लेना है 5 मिनट के अंदर अंदर में, ठीक है। इसके बाद अगर सब कुछ इसमें आपको सही है तो यहाँ कन्फर्म बार पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर देखिए थैंक यू का ऑप्शन लिखा के आ चुका है और यहाँ पर जो है आपका ये फॉर्म जो है सक्सेसफुल्ली आपका जो है अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि थैंक यू का ऑप्शन आ चुका है और इसको जो है आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए और थ्री डॉट इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पर जो आपको रेफरेंस आईडी दिया गया था वो आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए डालने के बाद आपका जो भी नाम है और जो भी है आपका यहाँ पर पूरा आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद देखिए अभी मैं सबमिट किया हूँ तो यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे BLO के पास जाएगा। इसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद जो है यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी होना होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो है आप वोटर आईडी कार्ड के लिए घर बैठे आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से आप जो है वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना कहीं दुकान में जाए, बिना कहीं साइबर कैफे में जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।